आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनिंग के बारे में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन कैसे कंडीशन होता है हाउ कंडीशनिंग ऑफ ब्रेन इज़ रिलेटेड टू एडिक्शन पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे कंडीशनिंग इज़ अ लर्नड एसोसिएशन बिटवीन एनवायरमेंटल इवेंट्स एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स कंडीशनिंग एक तरह की लर्निंग होती है लर्न लर्न करना कैसे हमारा ब्रेन किन चीज़ों को लर्न करता है आप मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाऊंगी आप मुझे बताइए ब्रेन हमारा कैसे लर्न करता है कुछ चीजों को बार बार, बार, बार करके बार रेपिटिशन करके वेरी गुड और देख कर, देख, कर, देख कर सीखना रेपिटिशन करके आ, कभी है एक छोटा बच्चा है बहुत छोटा बच्चा है वो आपका कुछ नहीं लगता पर आपने उसको एक चॉकलेट दे दी राइट तो वो जब भी आपको देखेगा उसको चॉकलेट की याद आएगी क्योंकि उसके ब्रेन ने एसोसिएशन बना ली है जुड़ गया है उस इवेंट के साथ आप एक बच्चे को मिले आपका दूर का कोई रिश्तेदार था आप इतना ज्यादा उसके साथ बहुत क्लोज नहीं थे पर आपने उसको चॉकलेट दी तो जब भी आप उसको मिलोगे तो वो आपसे चॉकलेट ढूंढेगा क्यों क्योंकि उसने एक एसोसिएशन बना ली कि ये ये इंसान है ये फिगर है जिसने मुझे चॉकलेट दी इसमें ना पावलोव ने एक थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी जिसमें क्या था कि एक डॉग था और डॉग को बेल बजती थी और खाना मिलता था जैसी बेल बजती थी उसके सामने खाना दिया जाता था तो उसको सलाइवा प्रोड्यूस होता था फिर उन्होंने क्या किया बेल बजाई लेकिन खाना नहीं दिया फिर भी स्लाइवा प्रोड्यूस हुआ ऐसे क्यों ऐसे कैसे दिया 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 उसकी एसोसिएशन बन गई <laughs> कि यहाँ पे बेल बजी और मेरे लिए खाना आएगा और इसलिए उसकी सलाइवा प्रोड्यूस होने लग पड़ा इसी तरह से हमारे दिमाग की स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन जाती हैं अलग अलग चीजों की हम आपको बड़ी बड़ी समझाते हैं नो टू स्लिपरी फ्रेंड्स नो टू स्लिपरी प्लेसेस नो टू स्लिपरी इवेंट्स क्यों बोलते हैं ऐसे बोलते रहते हैं सारे सारे जितने भी थेरेपिस्ट हैं आपको समझाते रहते हैं आप जब जाते हैं यहाँ से आफ्टर थ्री मंथ्स तो रेड स्टांज में हम लिखते हैं नो टू स्लिपरी फ्रेंड्स प्लेसेस और एनी अदर ट्रिगर्स ठीक है तो आज हम ट्राई करेंगे इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि हमारी इंट्रोडक्शन जो होती है जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली फेज है जब हमने नशा शुरू किया था तो क्या कहते हैं हमने कैसे शुरू किया था बताएंगे पर्टिकुलर घर है हम प्लेस की बात करते हैं प्लेस हमारा ट्रिगर है एक घर है एक जगह है जहां जाके आपने नशा किया पहली बार सब नशा क्यों करते हैं बताएंगे बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट फन सेक ट्राई करने के लिए प्योर प्रेशर के लिए बहुत कम लोग कहते हैं कि हमें कोई स्ट्रेसर था हमें कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने किया राइट right? जब हमने पहली बार इंट्रोडक्शन की पहली बार नशा किया उस दिन हमारी उस प्लेस के साथ एसोसिएशन कोई नहीं हुई हमने बस वहां जाके नशा किया और बस ठीक है और ना ही उस दिन हमें कोई तोड़ आई आई थी पहले दिन नशा करके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज आपको क्रेविंग हुई या तोड़ आई हुआ ऐसे कभी नहीं हुआ लेकिन जैसे ही हम मेंटेनेंस में गए फ्रेंडशिप होगी जो हमारी यारी दोस्ती हो गई नशे के साथ तो उस प्लेस के साथ हमें थोड़ी सी एसोसिएशन आई जैसे ही हम उस जगह से गुजरे तो उसको देख के हमें थोड़ी सी याद आई और ये जो इंट्रोडक्टरी फेज़ है ना इसमें क्या होता है हमारे ब्रेन में थॉट्स होते हैं जैसे जब हमारी इंट्रोडक्शन हुई है तो हमारे ब्रेन में जो थॉट आया ना एडिक्शन का मुझसे दस पंद्रह परसेंट आया थोड़ा सा परसेंट आया ब्रेन में इतना ज़्यादा नहीं आया उस टाइम पे हमारे ब्रेन में थॉट्स और चीज़ों के चल रहे हैं खाना खाना है चिकन खाना है ये कपड़ा खरीदना है ये शॉपिंग करनी है अलग अलग तरह की और थॉट्स की ऑब्सेशन होती है जब हम आए फ्रेंडशिप वाले फेज में तो हमारी एसोसिएशन आई और हमें थोड़ी सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आनी शुरू हो गई कि जब हम वहाँ से गुजर रहे हैं तो हमें याद आ गया क्या कि जब मैंने उस दिन नशा किया था तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था मुझे अच्छी फीलिंग आई थी तो बॉडी में कुछ 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 टिंगलिंग सेंसेशन कोई थोड़ी थोड़ी सेंसेशन आनी शुरू हो गई और हमने कहा चलो कर लेते हैं फिर से कर लेते हैं तो हम फिर से करना शुरू हो जाते हैं पर तब भी इतनी एसोसिएशन नहीं बनी थोड़ी एसोसिएशन बनी है उसके बाद जब हम थर्ड फेज़ में जाते हैं जिसको डिसअपॉइंटमेंट फेज़ या ऑब्सेसिव ऑब्सेशन वाली फ़ेज कहते हैं उसमें क्या होता है उस प्लेस के साथ हमारी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन गई है हम जैसे ही उस प्लेस में से जाते हैं उसके पास से गुजरते हैं तो हमें ब्रेथलेसनेस सांस चढ़नी घबराहट होनी थोड़ी सी दर्दें होनी बेचैनी शुरू हो जानी और उस टाइम तक हमारे ब्रेन में यहाँ 10-15% परसेंट था यहाँ आके हमारा 25% परसेंट हो गया यहाँ 50% परसेंट हमारे दिमाग में जो थाट है अब नशे की आनी शुरू हो गई है फिफ्टी परसेंट हमारे ब्रेन ने ऑक्यूपाई कर लिया नशे की सोच को और जो हमारे शरीर में चेंजेस आई हैं ना जो हमारी एसोसिएशन हुई है उस जगह के साथ सिर्फ जगह के साथ एसोसिएशन हुई है हमारी तब उसने हमारी बॉडी में इतनी चेंजेस लेके आई हैं कि हमारे लिए अब कंपल्सरी हो गया है कि हम नशा कर लें अब आ गया कि अब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो ये वही जगह है पिछली बार जाके मुझे मज़ा मिला था अच्छा लगा था अब मेरी बॉडी में भी कुछ हो रहा है तो मुझे जाके करना ही करना है और हम कंपलसरी कर लेते हैं फिर उसके बाद क्या होता है डिजास्टर्स जो हमारा क्रैश बॉटम है क्रैश बॉटम का मतलब है कि जिंदगी में अब जो हमारे थॉट्स है ना अब आप जगह पे नहीं गए हो, आप उस घर पे नहीं गए हो, जहां पे आपने पहली बार नशा किया था अब आप घर पे ही बैठे हो लेकिन आपकी जो ऑब्सेशन है जो आपके थॉट्स है ना अब हंड्रेड परसेंट हो गए इतने ज़्यादा थॉट्स आने शुरू हो गए हैं दिमाग में इतने ज़्यादा थॉट्स आने शुरू हो गए है कि कोई और थॉट ही नहीं आ रहा वो आ, कई बार डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि नशा किसी और चीज़ को बदल देती है अगर आपको पहले मम्मा से प्यार है पापा से प्यार है वाइफ से प्यार है तो वो चेंज हो जाता है वो प्यार सिर्फ नशे के लिए रह जाता है गर्लफ्रेंड से प्यार है तो वो नशे के लिए रह जाता है राइट वो इसलिए कि जो जो चीज़ें हमारे लिए पहले कंपलशन थी या ऑबसेशंस थी हमारी फॉर एग्जांपल किसी को अच्छा खाना खाना पसंद है किसी को नए कपड़े लेना पसंद है किसी को ब्रांडेड कपड़े लेना पसंद है वो भले फूड क्लोदिंग और बाकी चीज़ों की जो हमारे ब्रेन में थाट्स चल रहे थे ना वो अब खत्म हो गए अब हमें एक ही थाट रह गया ड्रग्स 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 वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि अब मुझे सिर्फ सोच ही आई है कि वो एक घर था वो एक जगह थी वहाँ जाके मैं नशा करता था अब उस सोच से ही मुझे फिजिकल चेंजेस आ गए और वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इतने स्ट्रांग है क्योंकि मेरी एसोसिएशन बड़ी स्ट्रांग बन गई है कि अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा अब उस चीज़ ने मुझे ओवरपावर कर लिया है अब जब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं अब ड्रग्स ने ड्रग की थॉट ने मुझे ओवरपावर कर लिया है बहुत ज़्यादा इतना समझ आया पता लगा सिर्फ और सिर्फ हमारी जो एसोसिएशंस बनी है ना इसीलिए हम मना करते हैं अच्छा आप मुझे बताओ ऑनेस्टली बताना यहाँ पे कई बारी बात होती है तो आप कहते हो मैम सिगरेट का नाम ना लो सिगरेट का नाम लेने से ना हमें तलब उठती है होता है कभी कहा है किसी ने होता हाँ, है।, है ना तो जब आप आ, शाम को गुफ्तगु कर रहे होते हो बातें कर रहे होते हो जब है ना कि मैं इतना करता था मैं ऐसे करता था मैं वैसे करता था वो जो बातें कर रहे हैं ना वो बातों में ब्रेन हमारा वो प्लेयर ढूंढ रहा है मुझे जो प्लेयर ढूंढ रहे हैं हमारी तो एसोसिएशन फिर से होगी इसके साथ इसीलिए विद द थॉट ऑफ इट आपको फिजिकल चेंजेस आ नहीं है सिर्फ सोच के साथ फिजिकल चेंजेस आनी है अब वो आपने सोच को काउंटर कैसे करना है चेंज कैसे करना है दैट इज अप टू यू ये आपके ऊपर है तो इसलिए इसलिए आपको आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों मना करते हैं नो स्लिपरी फ्रेंड्स नो स्लिपरी प्लेसेस नो स्लिपरी इवेंट्स इवेंट से क्या मतलब है हमारा अब पिछली दिवाली पिछली दिवाली थी अब पिछली दिवाली पे मैंने ये ये किया मैं यहाँ गया था ठीक है अब वो दिवाली आएगी तो हमें दिवाली नहीं याद आने की क्या थी दिवाली पे मैं किससे मिला था कहाँ मैंने ड्रग की थी मुझे वो एसोसिएशन्स बनी है तो हमने पुरानी एसोसिएशन को तोड़ना है ताकि हम बेटर रह सके ठीक है अब आपने आपने एक एक एसोसिएशन बना लिया है कि जब मुझे कभी दिक्कत होएगी श्वेता मैम विल बी देयर टू लिसन टू मी राइट ये आपकी एसोसिएशन है ठीक है अब आप डॉक्टर अमित को मिलते हैं सारे रोज है ना फटाफट से आप डॉक्टर अमित के साथ आते हैं पास आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि ब्रेन ने कंडीशनिंग कर लिया है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी हम डॉक्टर अमित के पास जाएंगे वो हमें मेडिसिन देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे तो दिस इज दिस इज द वे वी लर्न अब आपकी यहाँ पे एक खास बंदे के साथ फेलोशिप हो गई है क्यों हो गई है रेपिटेशन एसोसिएशन बनती है रेपिटेशन के साथ किसी ने बोला था स्टार्टिंग में कि कोई काम हम रिपीट करते हैं जब बार बार करते हैं तो वो रेपिटिशन से हमारी कंडीशन हो जाता है ब्रेन हम लर्न कर लेते हैं ठीक है ना अब अब हमें फ्रेंड की भी विड्रॉल हो रही है फ्रेंड चला गया तो हमें विड्रॉल हो रही है ये क्यों ये ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन कौन गया था हम में से कोई गया था तो आप रोए थे बहुत ज्यादा राइट वो क्या था वो वो हमें फ्रेंड की विड्रॉल हो रही थी फिर हमारी एसोसिएशन इतनी बन गई थी कि अब वो चला गया है तो इसलिए अब मुझे रोना आ ही जा रहा है सो वी नीड टू सी एक छोटा बच्चा जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं तब से हमारा ब्रेन लर्निंग प्रोसेस में होता है हम लर्न करते हैं तो जब हम ड्रग्स में होते हैं हमारी लर्निंग एसोसिएशन क्या है उस पर काम करना है हम बार बार आपको कहते हैं राइट डाउन योर ट्रिगर्स राइट डाउन योर ट्रिगर पॉइंट्स कि क्या ऐसी जगहें हैं कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको मिलके आपको थॉट आ सकता है ये जो ब्रेन हमारा है ना बहुत पावरफुल है बहुत पावरफुल है पहले हमें जगह देख के थॉट आता था फिर हमें जगह बिना देखे सिर्फ सोच के ही हमें क्रेविंग्स आनी शुरू हो जाती थी तो ये हमें समझना है बहुत इंपॉर्टेंटली अब जैसे हमारी कंडीशनिंग हुई है नशे के साथ हमारी एसोसिएशन बनी है वो रेपिटेशन से बनी है ऐसे ही जब हम कुछ लर्न करेंगे अपने आप को चेंज करने के लिए अगर उसकी रेपिटेशन होगी फिर हमारी कंडीशनिंग उसके साथ हो जाएगी फिर हमें रिकवरी में मज़ा आना शुरू हो जाएगा पर रिकवरी में मज़ा कब आएगा ये हमने देखना है दैट इज इम्पॉर्टेंट जिस दिन रिकवरी में मज़ा आना शुरू हो गया ना वो एक अलग तरह का ही मजा होना है कभी कभी हम में से किसी ने किसी के लिए कुछ किया है किसी के लिए एक्ट ऑफ काइंडनेस किया है कुछ आपको पता है कि एक्ट ऑफ काइंडनेस करके हमारा हैप्पी हार्मोन क्रिएट होता है पता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं तो हमारा हैप्पी हार्मोन क्रिएट होता है तो अब हम थोड़ा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस करें कुछ अपनी रिकवरी में थोड़ा जोश लेके आए थोड़ा हम पॉजिटिव हों ताकि चीज़ें बेटर हो सकें एक एक और सिंपल सी बात बोलूंगी जुनून है हम जुनून की बात कर रहे हैं जुनून इज ऑब्सेशन राइट है ना अब एडिक्शन इज इक्वल टू ऑब्सेशन हमेशा कहते हैं हमेशा यही बात करते हैं एडिक्शन इज इक्वल टू ऑब्सेशन जुनून है वो जुनून कहाँ से आया हमारे दिमाग से तो हमने हर वो तरीके अपनाए नशा करने के लिए अपनाए ना नशा करने के लिए झूठ सच भी बोले हमने सब कुछ किया ठीक है अब हमने बैग बोरो स्टील भी किया राइट ये किया ना हमने तरले भी किए लोगों के चोरियाँ भी की बोरो भी किया सब कुछ अब जुनून दिमाग इसी दिमाग से जुनून आया चाहे वो बीमारी के बीच में आया जैसे मर्जी आया अब हम कहते हैं दिस डिजीज इज़ कनिंग एंड बैफलिंग अच्छा मुझे कोई कह दे श्वेता यू आर कनिंग एंड बैफलिंग तो मुझे कैसा लगेगा बड़ा बुरा लगेगा यार ये ऐसे क्यों कह रहे हैं कनिंग बैफलिंग है ना पर अगर मुझे ये कह दे श्वेता ये जो तुम्हारी कनिंग बैफलिंग वाली चीज है ना ये हेल्प बड़ा करती है पेशेंट्स को ठीक करने में समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ समझ आ रही है ब्रेन हमारा वही है हमें जुनून है नशा करने का हम तरीके ढूंढते हैं नशा करने के अब हमने डू दो अपोजिट करना है हम कहते हैं ना मैम कितनी बार आपको समझाते हैं जब क्रेविंग आ रही होती है डू दो अपोजिट है ना तो अब हमने वो जुनून यूज करना है ठीक होने में राइट right? जितने तल्ले मिनते हम करते थे नशा करने में वो तल्ले मिनते हम ठीक होने में तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल हम किसी के तल्ले नहीं कर रहे हैं ठीक होने में हम ना पेरेंट्स के कर रहे हैं ना काउंसलर के कर रहे हैं ना हम डॉक्टर के कर रहे हैं हमने कभी मिन्नत करी ही नहीं है किसी की हमने कुछ बोरो भी नहीं किया किसी से किसी की अगर नॉलेज है किसी के पास नॉलेज है जैसे कोई अगर रिकवर्ड आपके पास कितने रिकवर्ड एसोसिएट्स आते हैं आपके फेलो मेंबर्स आते हैं आप में से किसी ने किसी से पूछा आज हमारे तीन चार आए हैं फेलो मेंबर्स फॉलोअप में जो छह महीने सात सात महीने साल से राइट right? साल से ना साल से ऊपर हो गया आपको सर छ महीने पीछे साल से ऊपर हो गया हमने इनसे बोरो किया कुछ हमने कुछ इनसे उधार मांगा कि कुछ टेक्निक्स तेकनीक हमें भी बता दो क्या ऐसी टेक्निक्स आपने यूज की हैं आपको साल हो गया आपको चैलेंजेस आए होंगे लाइफ में आपको भी प्रॉब्लम आएंगे पर हमने नहीं किया मैं मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि ब्रेन आपका वही है ऑब्सेशन आपकी वही है अब उस ऑब्सेशन को हमने राइट डायरेक्शन में यूज करना है अगर हम कर लेंगे तो हम बहुत सक्सेसफुल हैं अगर हम नहीं करेंगे तो हम पलटियाँ मार मार के यहीं पर रहेंगे फिर सो so चॉइस हमारी है अब हमने क्या करना है ठीक है जी थैंक यू जी